वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विडाल टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है। विडाल टेस्ट है वो टाइफॉइड फीवर की जांच के लिए करवाया जाता है एक टेस्ट है। तो उससे पहले हम बात कर ले कि टाइफॉइड फीवर के कॉमन सिम्टम क्या हो सकते हैं। तो उसमें हो सकता है फीवर, और फीवर भी 39 डिग्री से 40 डिग्री ऑन सेल्सियस वाला। दूसरा है हेड एक होना, सिर में दर्द होना, मसल एक होना, स्नायु में दर्द होना, स्टमक पेन यानी पेट का दर्द होना, पिंक स्पॉट रैसेस ऑन ट्रंक ऑफ बॉडी यानी पिंक कलर के रैसेस एंड स्पॉट हमारे एब्डोमेन यानी बेली पे और चेस्ट पे दिखना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख न लगना, एग्जॉस्टन यानी थकान महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन रहता है कभी कभार, और कभी कभार डायरिया भी रहता है। और यह विडाल टेस्ट रिपोर्ट, यहाँ पर इन सभी को 1GM20, 1GM40, 1GM80, इन सभी को बोलते हैं टाइटर। टाइटर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इन ब्लड, यानी आपके ब्लड में एंटीबॉडी की मात्रा कितनी है ये इंडिकेट करता है टाइटर। ओके, एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी जब बैक्टीरिया वायरस, तो बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो इनको बोलते हैं एंटीजन, और उनके प्रति जो हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। यहाँ पर चार प्रकार के एंटीजन दिए हैं, एस टाइफी साल्मोनेला टाइफी, ओ एंटीजन साल्मोनेला टाइफी, एच एंटीजन साल्मोनेला पैराटाइफी ए एच एंटीजन एंड साल्मोनेला पैराटाइफी बी एच एंटीजन। अब बात कर ले उन सबकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो साल्मोनेला टाइफी एंटीजन ओ की नॉर्मल वैल्यू होती है 1GM40, यानी यहाँ तक नॉर्मल वैल्यू है ओ की, और एच की एच एंटीजन की नॉर्मल वैल्यू है 1GM80 तक, और ए एच और बी एच की 1GM40 तक नॉर्मल वैल्यू है। यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन की वैल्यू 1GM160 है या फिर उससे ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको टाइफॉइड का एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। वैसे ही यहाँ पर अगर एच एंटीजन की वैल्यू 1GM160 है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको पहले टाइफॉइड हुआ था या फिर आप वैक्सीनेटेड है, इस बात को ये इंडिकेट करते हैं। अगर वैल्यू ओ एंटीजन की वैल्यू 1GM320 है तो ये कंफर्म है कि आपको टाइफॉइड हुआ है। ओके, देन अगर ओ एंटीजन की वैल्यू अगर 1GM80 आती है तो आपको दूसरे सप्ताह में फिर से ये रिपोर्ट करवानी चाहिए। अगर वो बाद में इससे बढ़ती है यानी 1GM80 से बढ़ती है यानी 1GM160 होती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको टाइफॉइड फीवर है, यानी अगर बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको एक्यूट इंफेक्शन हुआ है। वैसे ही यहाँ पर ओ एंटीजन की वैल्यू बड़ी है और अगर ए एच की वैल्यू बड़ी है यानी 1GM40 से 1GM80 है, 1GM160 है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको पैराटाइफी का इंफेक्शन हुआ है। वैसे ही यहाँ पर अगर ओ एंटीजन की वैल्यू बड़ी हुई है और बी एच की वैल्यू 1GM40 से बड़ी है तो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको पैराटाइफी बी का इन्फेक्शन हुआ है। साल्मोनेला टाइफी ए एच और बी एच पॉजिटिव है यानी ये 1GM40 से बड़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि आप करियर है, यानी आपसे दूसरों को टाइफॉइड का इन्फेक्शन फैल सकता है। और एक बात कि ये कभी कभार फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, और मलेरिया जैसी कंडीशन में ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। ये विडाल टेस्ट है वो फीवर के 5 से 7 दिन बाद करवाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।